ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उन उपायों को करने के साथ साथ अगर आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है तो वो भी शांत हो सकता है। तो किस तरह आपको करनी है अपनी राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा, उसकी विधि क्या है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी टच करें, ताकि और भी जो वीडियोस हैं सावन से जुड़े हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा से जुड़े हुए, उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों को किस तरह करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की पूजा। मेष राशि के जातक बेलपत्र, लाल चंदन और लाल फूल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। गुलाब वाले जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वृष राशि वाले जो लोग हैं उनको सावन में गाय के दूध, दही, सफ़ेद फूल और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही केवड़े और दही से अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप जरूर करें। इसी के साथ ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी करें। तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जो लोग हैं वो सावन के महीने में भांग, धतूरा, कुश, मूंग की दाल और धूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। अभिषेक करने के लिए पानी में दही मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। गन्ने का रस भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। ओम नमः शिवाय कालाय महाकाल कालाय कृपाल ओम नमः मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि के जो लोग हैं उनको सावन में भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल, चंदन, इत्र, गाय का दूध, भांग आदि चढ़ाने चाहिए। घी से आप अगर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके अलावा मंत्र में आप ओम चंद्रमौलेश्वर नमः मंत्र का जाप करें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा और बहुत ही फलदायी होगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनको सावन के महीने में पानी में गुड़ मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। मदार का फूल, गेहूं, लाल फूल, कोई सा भी लाल फूल हो, चाहे वह गुड़हल का हो या गुलाब का हो, लाल फूल चढ़ाना चाहिए आपको भोलेनाथ को। साथ ही ओम नमः शिवाय कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के समय घी का यानी देसी घी का दीपक आप महादेव के आगे, माता गौरी के आगे चलाएं, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों को सावन के महीने में भगवान शंकर को भांग, बेलपत्र, दूब, पान, धतूरा और गंगा जल चढ़ाना चाहिए। गन्ने का रस भी आप चढ़ा सकते हैं और आपके लिए ये भी बहुत फलदायी होगा। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः। तुला जाति के जो जातक है उनको सावन के महीने में भगवान शंकर को सफ़ेद चंदन, गंगाजल, दही, शहद, श्रीखंड अर्पित करना चाहिए और इत्र से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें या फिर गंगाजल में चंदन मिलाकर भगवान को अर्पित करें। अगर आप गाय के दूध में मिश्री मिलाकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में लाल गुलाब या फिर कोई भी लाल फूल, बेलपत्र भगवान को अर्पित करना है। पंचामृत से बनाकर उससे शिवलिंग का अभिषेक करें और मंत्र में आप ओम हौम ओम जूम सह मंत्र का जाप करें, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी।
शिव जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धनु राशि, आप सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को पीले फूल या फिर पीला गुलाब, कोई भी पीले फूलों की माला, चाहे वो गेंदे के फूल ही हो, आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, पीला चंदन और मिश्री चढ़ाएं। गाय के दूध में हल्दी मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। साथ ही बेसन की मिठाई का भी भोग लगाएं। ओम नमो शिवाय गुरुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। मकर राशि, आपकी राशि के लोगों को शिव जी को नील कमल या फिर नीले फूल, जैसे कि अपराजिता के नीले फूल होते हैं, वो चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। साथ ही बेलपत्र, शमी के पत्ते, भांग, धतूरा आप भगवान को चढ़ाएं। नारियल के पानी से आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। सफ़ेद उड़द से बनी जो भी मिठाई है, अगर आप बना सकते हैं, तो उसका भी भोग आप भगवान भोलेनाथ को लगाएं। और साथ में ओम होम ओम जूम सह मंत्र का जाप करें। महादेव आपकी सदैव रक्षा करेंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। कुंभ राशि, सावन के महीने में आप भगवान शिव को नीले फूल, शमी के पत्ते, गन्ने का रस, शमी के फूल चढ़ाएं। तिल के तेल से महादेव का अभिषेक करें। उड़द दाल से बनी मिठाई भगवान को अर्पित करें। ओम होम ओम जूम सह मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मीन राशि, आपकी राशि के जातकों को सावन में शिव पूजा के लिए पीले फूल, गन्ने का रस, केसर या दूध में केसर मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। नाग केसर और पीली सरसों भी आप भोलेनाथ को अर्पित करें तो बहुत अच्छा है। दही और चावल का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं और ओम नमो शिवाय गुरुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये थी राशि के अनुसार सावन के महीने में आप भोलेनाथ की पूजा किस तरह करें, किस तरह प्रसन्न करें भगवान शंकर को। इस तरह से आप अगर पूजा करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, साथ ही आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आने पर उसे लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। ओम नमः शिवाय।